यहाँ पर पंचर, तो भाई इसको पंचर बनाता हूँ। मैंने जिंदगी में एक काम ऐसा है जो कभी नहीं किया। हाँ तो भाई हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रेडिक्शन आदर गूगल सा व्लॉग्स। और भाई ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं रात में रुका हुआ था, ये टीन का डब्बा जो दिख रहा है रात में यहीं रुका हुआ था। रात में मुझे उल्टी, सिर दर्द, ठंड और पता नहीं क्या क्या हो गया था। तो भाई मैंने फिर अपनी गाड़ी के ऊपर बैग बांधा और फिर मैंने सोचा हूँ कि भाई मैं निकल जाता हूँ और मेरी गाड़ी हो जाती है यहाँ पर पंचर, तो भाई इसको पंचर बनाता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ। लोग जो है ना वो लद्दाख का गुड साइड दिखाते हैं पर बैड साइड कभी कोई नहीं दिखाता। यहाँ के रोड की हालत इतनी ख़राब है ना कि एक चीज़ बता दूँ, मेरा टायर अभी दो बार पंचर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ इसी रोड पे। ये मैं अभी मनाली की तरफ से आ रहा हूँ, पांग पहुँच गया हूँ, तो रोड मेरा सॉरी टायर मेरा दिख भी नहीं रहा यहाँ से। हाँ मेरा दो बार पंचर हो गया है भाई साहब, बुरी हालत हो रखी है। रात में मुझे वॉमिट, बुखार, सर्दी भी लग रही थी थोड़ी बहुत, सांस की दिक्कत, डैमोक्स भी मैंने फिर मतलब इतनी सारी दिक्कत है। सिर दर्द तो सबसे ज़्यादा हाइट की वजह से सिर दर्द हो रहा था और सांस की वजह से उल्टी हो रही थी। वैसे तो पांग पहुँच गया हूँ, रीजन कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये भाई क्या है कल हमारे साथ बोल रहे थे कि पांग चलेंगे। हाँ देखो मेरे पास आके याला हाथ भी ऐसे ही है। चलो निकलते हैं बस अभी यहाँ से। अभी 1399 1400 चला दिया है। चलो चलते हैं, निकलते हैं आगे। तो भाई अपन पांग पहुंच गए हैं, नेक्स्ट स्टॉप आता है वो है तांगलांगला पास और जो कि है वहाँ से 63 किलोमीटर। सो लेट्स गो ओवर देयर क्योंकि मेरे को रोड बहुत अच्छी मिल गई है यहाँ से। फ्यू मोमेंट्स लेटर काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं रोड रोड की वीडियोस क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई सीन ही ऐसा है और मेरे को जो व्यू जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने ये भी बोला था कि भाई एटलीस्ट थोड़ा सा सीनरीज दिखा दो तो अच्छा रहेगा, एंड आई वॉज अमेजिंग कि रोड इतना अच्छा था तांगलांगला के लिए। तो भाई अपन पहुंच गए हैं फाइनली तांगलांगला पास और यहाँ पर एल्टीट्यूड जो हाइट है जो 17,000 से भी ऊपर है, तो यहाँ पर सांस की थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, सिर्फ एक दो फोटो क्लिक करा के और निकल जाना है लेह की तरफ। लेह जो है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है 2-3 घंटे की और अमेजिंग रोड है। तो मैं पहुँच गया हूँ भाई, पता नहीं कहाँ उपसाना करके गाँव है, यहाँ से 20 किलोमीटर है लद्दाख में तो है ही हम। लेह यहाँ से है अराउंड कितना 60 किलोमीटर करीब करीब लेह हैगा और अपनी गाड़ी वो खड़ी है। एक दिक्कत हुई थी, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत हुई थी। एक तो सांस की दिक्कत, ठीक है, दूसरा अपन बोलते हैं ना कि लेह बहुत अच्छा है, लेह बहुत अच्छा है, अच्छा है, लेकिन जब तक आप रील्स पे देख रहे हो, रील्स पर से आप हट के अगर आप यहाँ पर आप आ रहे हो तब यू नो द रियल वन, यू नो द रियल थिंग। वैसे ले अच्छा है, लद्दाख अच्छा है। देखो ये रेड माउंटेन है मेरे पीछे, अब बता दूँ क्या क्या दिक्कतें हुई है मेरे को। मैंने ज़िंदगी में देखो पहले तो यहाँ देखो मेरे, मैंने ज़िंदगी में एक काम ऐसा है जो कभी नहीं किया है। सोचो मैं दो नहीं एक मिनट का वक्त देता हूँ, सोचो तब तक मैं व्यू दिखाता हूँ। चलो फिर मैं बता देता हूँ, ज़िंदगी में एक काम ऐसा है मैंने कभी नहीं किया है, वो है पंचर बनाना। आज मैंने वो भी बना लिया, वो भी दो बार, कल एक बार बनाया था, आज एक बार बना लिया। अभी ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है,
एक चीज़ और यार, ये रेडनेस हो गई है देखो, ये साइड भी और इस साइड भी। ये जैकेट है ना, ये ऐसे लग के और ऐसे ऐसे घिस रहा है, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। चेहरा डल हो गया है, हाथ तो ऐसे तैसे हो गया हाथों की। ये पट्टी मैंने, ये जो वो है ना बैंडेज मैंने इसलिए लगाई क्योंकि लग गई है, बैंडेज मैंने इसलिए लगाई है कि जैसे भी, जैसे कि मैं, ये चेन है, इस चेन को पकड़ के मैं खींच रहा हूँ ना, तो यहाँ पर पेन कर रहा है, तो मैंने बैंडेज इसलिए लगा लिए जो चेन को पकड़ के खींचने में दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे सारे जूतों में चेन ही है। अभी मैं ये वाला दिखाऊँ ना, कहाँ ये, इसमें देखो ये भी चेन हैगी, ठीक है ये चेन हैगी, देन फिर यहाँ पर एक चेन हैगी, ठीक है एक ये चेन हैगी, देन फिर जो मेरे आरी वाले शूज़ हैं उसमें रखे हुए हैं उसमें भी चेन हैगी। तो यहाँ से खींच के अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा पेन से करने लगा था, तो मैंने सोचा ये लगा लेता हूँ। बाकी अब अपन निकल रहे हैं, 60 किलोमीटर बचा है। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो शूट कर लूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई, वीडियो की नहीं थी मैंने शूट। वेलकम टू ले। तो भाई 40 किलोमीटर पहले मैं लेह से रुक गया हूँ, कारू करके गाँव है एक, कारू मेरे गाँव, वो अपनी गाड़ी है। और यहाँ मैं, भूख लगी थी सुबह से, कुछ खाया नहीं मैंने ढंग से, ये चाय ये, और अपन निपटाते हैं। चलो ना, अपन पहुंच गए कहाँ, रूमी होम स्टे पे, जो अभी दोस्त ने बताया हुआ था मेरे को, एक सजेस्ट किया हुआ था, गाड़ी अपनी है, चलते हैं अपन अपने रूम में। मुझे गाड़ी पसंद आई है। सॉरी, हाँ यार वो भी ज़रूरत पड़ेगा। हाँ तो मैं भी बोल रहा था, मुझे ये गाड़ी पसंद आई, जे वीरू वाली, चलाऊँगा ज़रूर मैं इसे अगर चल रही होगी तो। चलो भाई रूम का टूर दिखाता हूँ, 101। पैर साफ कर रहे होते हैं, ये आएगा अपना कैमरा, ये रखो अपना सामान एंड ऑल, एक बाथरूम है, यहाँ से सब दिखता है और बहुत बढ़िया। ये लिविंग रूम है, ये वाला लिविंग रूम है, मतलब हम स्टे कर सकते हैं थोड़ी देर अगर आपका रूम वगैरह खाली नहीं है तो। अपनी गाड़ी वो खड़ी है, दिख रही होगी सबसे कोने में, ये मिलते हैं थोड़ी देर बाद।